कलम सीरीज के लिए आई हूँ। कल जयपुर में हम लोगों की बातचीत हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें साहित्य प्रेमी बहुत थे, हालांकि उनको रेगुलर पाठकों का दर्जा तो नहीं दे सकते। और बहुत सुंदर प्रोग्राम उन्होंने किया। आज अजमेर में हूँ। आज तो बहुत पढ़े लिखे हिंदी साहित्य के लोग हैं यहाँ पर, और अभी तक हम साहित्यिक कार्यक्रम जो होते थे ज़्यादातर गवर्नमेंट संस्थाएं करती थी, तो मुझे कलम का ये प्रयास बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसमें कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े नामों को जोड़ा है, और इससे भी साहित्य को किस तरह से देखा जाए, हमारे समाज में एक नई दृष्टि बनेगी। तो मैं कलम के कार्यक्रम में आई, उसकी शुभकामनाएं भी उनको देती हूँ आने वाले कार्यक्रमों की, और मुझे बुलाया इसके लिए मैं बहुत। आपने कविताओं के अतिरिक्त गद्य लेखन भी बहुत अद्भुत किया है, और आपकी गद्य लेखन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं प्रायः अपने मित्रों से कहते रहता हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि कवि का गद्य कितना सौंदर्य से ओतप्रोत हो सकता है, तो उससे आप तो उस व्यक्ति को गगन जी की दिल्ली में उम्मीद है, और उनके मानसरोवर की यात्रा को उन्होंने जो उनके अवार्ड में उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, और वे जानेंगे कि एक कवि का गद्य कितना सुंदर है। आपकी 5 किताबें कविताओं की प्रकाशित हो चुकी हैं और 4 किताबें गद्य की प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका जन्म मैं संक्षेप में आपका परिचय दे दूँ, जो कि मेरा दायित्व भी है, कि आपका जन्म 1959 में दिल्ली में हुआ। आप शुरू से ही लिखे पढ़े वैसे परिवार से थी। आपके पिता स्वयं संस्कृत के विद्वान थे और एक मशहूर पंजाबी कवि भी रहे हैं। उनकी कविताओं का अनुवाद हमारे राजस्थानी भाषा में राजस्थानी के विद्वान मित्र डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल ने भी किया है, वो आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ देवल साहब। और शुरू से ही उन्हें कविताओं का ये वातावरण मिला है। आपने अपने जीवन के प्रारंभ में 10 वर्षों तक पत्रकारिता का काम किया, इसी बीच में आप कविताएँ भी लिखती रही। आपकी कविताएँ लोगों ने पसंद किया, और कविताओं के सिलसिले में ही आपने अमेरिका, जर्मनी और यूके वगैरह की यात्राएँ भी करी। आपकी कविताएँ अंग्रेजी और जर्मनी भाषा में अनुदित भी हुई, और आज भी वो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई जाती है। आपको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के सहित अनेक पुरस्कार मिले। मैं कलम के सम्मान से गगन जी आपका स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैं गोपाल माथुर, जिसे गगन जी से बातचीत करने के लिए बिठा दिया गया है, और सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज के सामने किसी दिए को बात करने के लिए बिठा दिया गया, लेकिन अब बात तो करनी ही है। और इससे भी बड़ी भारी विडम्बना तो यह है कि जिस किताब के बारे में बात करने के हम लिया हूँ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिन मैं इनके सामने बैठा हूँ, उस किताब को मैंने अभी स्पर्श भी नहीं किया। तो बेहतर होगा कि हम गगन जी से ही जाने, आपके मुँह से ही सुने कि ये किताब क्या है, इसकी कविताएं कैसी हैं, और कब और किन क्षणों में इन कविताओं के बीच आपके मन मस्तिष्क अंकित हुए और ये पुस्तकार रूप में हमारे सामने है। गगन जी, नमस्कार। सबसे पहले मुझे खुशी भी है और डर भी लग रहा है कि मेरी किताब सबसे पहले जयपुर और अजमेर के प्रबुद्ध पाठकों के सामने आ गई, और अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। अगर आप में से कोई मेरा काम बदलना चाहे कि आपने निराश किया, तो अच्छा तो ये होता कि किताब थोड़ा कम से कम एक सप्ताह पहले आप लोगों के पास रही होती। तो वो
अगर एक सप्ताह पहले किताब आप लोगों के पास आ गई होती और आप मुझे बताते कि मैंने क्या किया है, क्योंकि लेखक का काम लिखना है, लेखक लिखने में ही कुछ बता पाए ये तो और भी मुश्किल काम है कि वो लिखे और फिर खुद पहले तो खुद समझे कि मैंने क्या लिखा और फिर अपने पाठकों को बता सके। पर इतना कह सकती हूँ कि ये किताब इसमें बनने में काफ़ी समय लगाया। मेरी जो इससे पहले कविताओं की किताब आई थी 2003 में थपक थपक टू थपक थपक, तो ये उसके 14 साल बाद किताब तैयार की। और इसका कारण ये नहीं कि मैं लिख नहीं रही थी, कविताएं लिख रही थी, छपी थी, और लेकिन कविताएं लिखना छपवाना एक चीज़ है और उनको किताब में दर्जा देना दूसरी चीज़ है। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो समय समय पर छपी, लेकिन जब मैं किताब बनाने के लिए बैठी तो मुझे लगा कि नहीं, किताब का एक अपना स्वभाव है इसमें, तो उसमें जो चीज़ें इसका हिस्सा नहीं दिख रही उनको छोड़ देने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तो इतना मैंने अभी तक की सब किताबों में मेरी कोशिश रही है कि एक तो एक किताब दूसरी किताब जैसी ना हो, हर किताब अलग अलग दिखे। एक लेखक जो है उसको लिखना तो धीरे धीरे आ ही जाता है, लेकिन लेखक को छोड़ना भी आना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि किताब विषय में भी अलग दिखे और भाषा का इतना बड़ा दाय हमें मिलता है, इतनी बड़ी संपत्ति हमें मिलती है, इतने शब्द मिलते हैं, हमें लगता है कि शायद एक शब्द को दूसरे शब्द से हम बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हर शब्द का समान आर्थी शब्द वही बात कह पाता होता तो हमें दूसरे शब्द की ज़रूरत क्या थी, तो पहले वाले से ही काम चल जाता। तो हर शब्द अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, हर वाक्य अपने आप में अलग चीज़ उद्घाटित करता है। और जब हमारे यहाँ पर चाहे हिंदू ट्रेडिशन में माने चाहे ईसाई ट्रेडिशन में माने कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विद गॉड, जब हम ये कहते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि शब्द का मिल जाना मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान है, और उस शब्द को बिल्कुल सही सही इस्तेमाल कर पाना, उस शब्द के जरिए सही सही कुछ कह पाना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती साधना होनी चाहिए। शब्द को सिर्फ भाषा को जानने के कारण हम शब्द को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सिर्फ एक कविता जो कि एक पन्ने पर कविता ठीक ठाक दिख रही है, ठीक ठाक लिखी गई है, सिर्फ इस कारण से उसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हमने एक कविता लिख ली तो अब ये कुछ वर्ष के बाद किताब में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पन्ने की कविता अलग है, जो किताब में जिसको जगह मिलने वाली वो अलग है। तो इस किताब को लिखने में इतना समय इसलिए भी लगा कि इनका स्वभाव मुझे अलग करना था और इनका विन्यास ही नहीं, इनका विषय इतना डेलिकेट है, उस विषय की बात हम लोग अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं करते। और वो विषय है हमारी आस्था का विषय, हमारे समाज में आस्था को लेकर हम चुप रहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें विद्रूप
की भी काफ़ी गुंजाइश है। यू नो, आस्था जैसी एक बड़ी कोमल भावना को बहुत क्रूड भी बना सकते। तो ये सब चैलेंजेस थे और मोटे तौर पर मैं इस किताब को ऊपर वाले से बातचीत तो ये थोड़ा सा विचित्र की बात है कि आपकी मातृभाषा पंजाबी है, अंग्रेजी में आपने एम ए किया है, लेकिन लिखने के लिए आपने हिंदी भाषा का चुनाव किया। मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न जो भी कोई हिंदी में लिखता है या भारत में पैदा हुआ उसके साथ खुलना ही नहीं चाहिए। अगर वो हिंदी बोलते हुए पढ़ते हुए पैदा हुआ है तो हिंदी में ही तो लिखेगा, वो अंग्रेजी में क्यों लिखे। अगर मैं पंजाब में पली बड़ी होती तो शायद मैं, मेरी सहज भाषा पंजाबी रही। मुझे अभी तक याद है, हम लोग कहीं बातचीत कर रहे थे फ्रांस में, वहाँ पर बुक फेयर था, तो डेलीगेशन था, हम सब लोगों को उन्होंने बैठा रखा था, उसमें अंग्रेजी के लेखक बैठे थे, हिंदी के कुल लेखक बैठे थे, और अंग्रेजी वाले जो हमारे भारतीय लेखक थे उन्होंने खूब बढ़ बढ़ के कहा कि वो तो उनके घरों में अंग्रेजी बोली जाती है और वो अंग्रेजी में पैदा हुए और वो मतलब इंडियन अंग्रेज हैं ये सब। लेकिन जब वो कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो जो वहाँ के फ्रेंच लोग थे उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाते कि भारतीय लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते। तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ये सवाल अंग्रेजी लेखकों से पूछा जाना चाहिए कि वो भारत में रहते हुए आप बताइए कि क्या सिर्फ स्कूल में जो हमें भाषा पढ़ाते हैं, जैसे मैंने भी अंग्रेजी में पढ़ाई की, तो स्कूल की भाषा ही हमारा सब संसार है, वो हमारा संसार है। हमारा संसार जो भाषा का संसार है जिसमें हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे नाना दादा हैं जो उनसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, एक अदृश्य जो ट्रेडिशन हमें मिल जाती है जिसका हमें पता भी नहीं होता कि हमें हर क्षण मिल रही। इतनी बड़ी परंपरा, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन और वो इतनी अलग अलग तरह की मैं अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करती हूँ अपने भारतीय होने को समझने के लिए। जैसे मेरी शिक्षा प्रणाली ने मुझे ये सुविधा नहीं दी कि मैं संस्कृत पढ़ती, जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाई। तो मैं अपने अंग्रेजी ज्ञान को भारतीय पुराने टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, हिंदी को भी करती हूँ। तो हमें ज्ञान तो जितनी जगहों से मिले उसको लेना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल हमारे व्यक्ति के परिष्कार में हो इसकी चेष्टा तो जब तक हम नहीं करेंगे कोई दूसरा नहीं करेगा। मैंने आपकी लगभग सभी किताबें पढ़ी हैं और गद्य पद्य दोनों ही पढ़ा है, लेकिन आपकी इन कविताओं को पढ़ते में लगता है कि जैसे आपके चाहे कविता हो चाहे गद्य हो उसमें कोई शोक का स्थायी स्वर अंडर करने की कहता है, ऐसा क्यों और कैसे? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं देखती, बल्कि जो मेरी प्रोज की किताबें हैं
वो तो मैं खुद पढ़ती हूँ तो कई बार बहुत हंसती रहती हूँ, तो मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा, मुझे साहित्यकारों से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे साधारण लोगों से बात करना बहुत अच्छा, खास करके जब मैं यात्राएं कर रही होती हूँ, वो रेलगाड़ी में कोई मिल जाए, रिक्शे वाला कोई मिल जाए, किसी के साथ ऑटो में बैठ खूब बातें करना अच्छा लगता है। तो मैं उनसे जो भी बातें करती हूँ या वो मुझे जो कुछ भी अपना जीवन के बारे में बताते, तो ऐसा नहीं कि मुझे उनके जीवन के दुख दर्द छूते नहीं, लेकिन मेरा जो उनके साथ सबसे सुंदर कनेक्शन बैठता है, जब भी बैठता है, जब एक अनजान व्यक्ति के साथ हम खुलकर हंसते, एक अनजान व्यक्ति के साथ वो अपने जिंदगी की कोई बात नहीं, और उससे पहले वो अपने बड़े कष्ट बता चुका, ये जो है कि हम जीवन हमें कितने तरह के रास्तों में से निकालता है, उसमें ज़्यादातर हम दुखों को याद रखते हैं, लेकिन ये फैक्ट कि हमने किसी को अपना इतनी अंदरूनी सी बात बताई और बताते ही हवा हो गई, अब फिर हंसे, ये एक बड़ा चमत्कार है। तो फिर आपके लेखन से उल्लास इतना अनुपस्थित क्यों? वो शायद मेरा स्वभाव होगा, और कुछ ये कि स्वभाव कुछ ये भी है कि सुख के बारे में लिखना या उल्लास के बारे में लिखना मुश्किल काम है। आप देखिए जो हम साहित्य पढ़ते हैं, अगर वो हमें गहराई में ले जाता है तो वो हमेशा कुछ ऐसी परिस्थितियों की बात करता है जिन्होंने हमें खरोंच कर रोका हो, और जब वो साहित्य हंसी मजाक की बात करता है, जैसे हास्य कवि है या, तो वो बड़ा एक हमारे अनुभव को स्थूल कर देते हैं। इसीलिए जो कॉमिक राइटिंग है उसका वो केंद्रीय स्थिति नहीं बन पाई हमारे साथ, क्योंकि उल्लास के बारे में लिखना, और हो सकता है अब जैसे आपने प्रश्न किया कि अगली पुस्तक मैं जब कभी लिखूँ तो मैं इसको एक चुनौती की तरह से सोचूं कि एक पुस्तक उल्लास की तरह से भी लिखनी आनी चाहिए अपने जीवन में, कोई व्यक्ति कम से कम एक पुस्तक तो ऐसी लिखे कि वो उल्लास से भरी हुई हो। उल्लास के बारे में उल्लास पर आधारित कोई किताब लिखा मैंने पढ़ने को ये पढ़ते कुछ नोट्स कराते समय मुझे ये कहीं अभी पढ़ने को मिला, निर्मल जी ने कहा है कि जो कहानी है वो अंधेरे में ठीक है, उन्होंने एक जगह लिखा है, आप कविता के बारे में कहना चाहेंगे किस तरह के बारे में? निर्मल जी के वाक्य के सामने हम क्या कहें, पर निर्मल जी जैसे कहानी के मास्टर थे, मैं तो बड़ी विनयशीलता में कविता की पंक्ति कैसे पकड़ पाती इसकी बात कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि कविता कम से कम मैं इसको वाक्य में नहीं पकड़ पाती, मेरे पास एक भी कविता ऐसी नहीं जो वाक्य में आए या जो विषय में आए, वो कोई गूंज जैसे में से आती है, फिर वो धीरे धीरे, जैसे मेरी माँ बिजली तो अभी 5-6 महीने पहले उनका देहांत हुआ, और माओ से बिछुड़ना तो हम सबके लिए एक शुरू अनुभव, पर वो अब मुझे नहीं पता था कि मैं माँ के लिए कविताएँ लिख सकती हूँ, क्योंकि जब हम अपनी माँ को खो देते हैं
और इसमें से गुजर रहे होते हैं, तो कविता तो हमारे लिए बड़ी दूर की चीज़ होती है। इस समय कविता के बारे में थोड़ी सी है, इस समय तो हम माँ के बारे में सीख। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि एक पंक्ति इसमें मेरे मन में काफ़ी देर चलती, क्योंकि मेरी माँ काफ़ी बीमारी के बाद गई थी। मैंने उनको अलग अलग तरह के कष्ट में से गुजर के देखा, तो वो पंक्ति आ रही है, तुम सुई में से गुजरती हो, मैं धागे में से गुजरती हूँ। कभी तुम धागे में से गुजरती हो, मैं सुई में से गुजरती हूँ। तो पता नहीं चलता कि कौन सी पंक्ति कैसे बोलती है। किताब एक पसंद है यहाँ पर, तो आपको मुझे कुछ बताया सुनना। तुम सुई में से निकलती हो माँ, मैं धागे में से। कभी सुई में से मैं, धागे में से तुम। कौन सी बखिया माँ हम सिले जा रही हैं सदियों से, कौन सा यह टांका पूरा होने में नहीं आता। कब उतरेंगे सितारे मैली अपनी चादर पर, खिलेगा कोई फूल अपनी इस फुलकारी पर। कब ओढ़ेंगी माँ हम चांद और पंछी, कब खेलेंगी लुकन छिपाई। बीत गए दिन माँ, बीत गए बरस सब, न खत्म होने को ये तुरपाई, न धागा न कहीं छोर इस चादर का। इतनी लंबी ये सुई, कभी उंगली में तुम्हारी, कभी नाखून में मेरे। छेद में से निकलती हो तुम जैसे ईश्वर के द्वार से, तुम्हारे पीछे पीछे मैं, तुम्हारा चित्रा। अब मैं चाहूँगा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल पूछना चाहे गगन गिल से, तो आप पूछ सकते हैं। गगन जी को बधाई, बहुत अच्छी कविता है आप, एब्स्ट्रैक्ट और बिंब बड़े सटीक हैं। मेरी आपसे मुलाकात दिल्ली में हुई थी भारतीय ज्ञानपीठ में 2016 मनमोहन जी कार्यालय के अंदर आप आई थी और मैं उनसे मिलने आया हुआ था। ये दो सवाल हैं छोटे छोटे से आपसे, आलोचक हूँ दिल्ली आता रहता हूँ। पहला, आपके खुद के मन में जैसे अभी गोपाल भाई ने कहा एक सॉन्ग ऑफ सॉरो चल रहा है कविताओं में, जो कविताएं आपने पढ़ी इसमें अंडर करेंट दुख की भावना है और प्रकृति के नज़दीक जाने का भाव है, तो क्या ये पलायन है या एक और नए फेस को देखने की उत्सुकता है, पहला सवाल। दूसरा ये कि भारतीय समकालीन कवियों में अभी कौन कौन से कवि आप पढ़ रही हैं, और मैं अपनी तरफ से जैसे आलोचक आपको केदारनाथ सिंह, आलोक धनवा और बाबा नागार्जुन इसके बीच का रख रहा हूँ। आपकी कविताएं दोनों ओर और छोर छूती हुई निकलती हैं, ये एक कवि के लिए मेरे हिसाब से चुनौती भी है और वो भी है। लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ बरस मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आसान नहीं हुआ। मुझे किसी चीज ने अगर स्वस्थ किया तो प्रकृति, और मुझे ये लगा कि
जो फाहे हम ढूंढते हैं ईश्वर का नाम लेने में, प्रार्थना करने में, वो फाहा तो हरियाली को देख लीजिए तो वहीं पड़ा होता। तो मेरे लिए प्रकृति से जुड़ना और प्रकृति का मेरी कविताओं में आना एक बहुत बड़ी घटना है। इससे पहले मैंने कभी प्रकृति को ऐसे सांत्वना देने वाली माँ की तरह नहीं देखा। जो हम कहते हैं कि प्रकृति माँ है, तो माँ से हमारा क्या अभिप्राय? तो मुझे मतलब ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत आविष्कार का आविष्कार था कि हम अपने भीषण अकेलेपन, अपने भीषण दुख के क्षण में जब एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, एक घास को देखते हैं, एक फूल को देखते हैं, तितली को देखते हैं, वो हमें कितना कुछ सिखाते हैं और कितनी सांत्वना देते हैं। किताब में पढ़ना एक बात है कि ये गुजर जाएगा, कि ये भी गुजर जाएगा, किताब में पढ़ने से समझ में नहीं आता। तितली को देखिए, चिड़िया को देखिए, तो ये समझ में आता कि हाँ ये गुजर जाएगा। तो ये मेरा आज की तारीख में मेरी सबसे सगी कोई मेरी कोई सबसे सगा संबंध है तो वो प्रकृति से। और आपने कवियों की बात की तो मेरे प्रिय कवि जो कोई बात बड़ा गेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केदार जी बहुत अच्छे लगते हैं। केदार जी की कविताओं में भी वो एक जगह है फिर नहीं है। उनकी वो नमक की कविता केदार जी की कविता इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें बिंब तो आता है लेकिन वो बिंब के साथ तो हैरानी भी रखते हैं। अकाल में सारस श्री कर। और मुझे जाने अनजाने जहाँ पर वो शायद रास्ता दिखाएं आगे, क्योंकि मैं खुद बाहर की तरफ आना शुरू हुई हूँ, कि केदार जी की कविताएं साधारण लोगों से बातचीत की कविताएं, मुझे उनका अपने गांव वाले मित्रों से बातें करना, एक कोई पुल टूट गया है, एक कोई नदी अब बहती नहीं है, एक नौका भी इस्तेमाल, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत प्रिय लगती हैं। तो एक बहुत बड़ा संसार, वैसे तो हर कभी एक बड़ा संसार खुलता है, लेकिन कभी कभी जिस संसार के दरवाजे पर हम अटके हुए होते हैं तो हमारे लिए एक कवि दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा प्रिय हो जाता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने केदार जी को जीत लिया। मैं श्रीमान सत्यदेवन साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आके गगन गिल जी को सम्मानित करें। एक छोटा सा भेंट मैं तरफ से बदल के जाता हूँ। Thank you.